चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का 3 दिन का भारत दौरा अब खत्म हो गया है। भारत चीन रिश्तों की नई परिभाषा के साथ राष्ट्रपति शी जिनपिंग का यह 3 दिवसीय दौरा खत्म हुआ और इस बार जिस तरह से प्रधानमंत्री ने सीमा विवाद को सामने उठाया उससे यह भी स्पष्ट हो गया कि भारत किस तरह इस तरह के मुद्दों पर खरी खरी बात करेगा। अपने दौरे के आखिरी दिन शी जिनपिंग ने लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी से भी मुलाकात की। जिनपिंग का यह दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है। सत्रह सितंबर को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी पत्नी फांग ली युआन के साथ अहमदाबाद में झूला झूल रहे हैं। महोत्सव जैसा माहौल था। दिल्ली की कूटनीतिक उठापटक से दूर साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी की सीख को समझने की कोशिश कर रहे थे। 18 सितंबर को जब दिल्ली में मोदी से उनकी मुलाकात होनी थी, शिखर वार्ता में भाग लेना था, ठीक उसी वक्त मीडिया में लद्दाख के चुमर इलाके में चीनी सैनिकों की घुसपैठ भी सुर्खियां बनी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शी जिनपिंग के साथ अपनी वार्ता में इस मुद्दे पर अपना मुखर विरोध दर्ज कराया। संयुक्त बयान में मोदी ने चीन को सख्त संदेश देने की कोशिश की, हालांकि शी जिनपिंग ने इसे टालने की पूरी कोशिश की। मैंने सीमा पर जो घटनाएं हुई हैं उस पर चिंता प्रकट की है और कहा है कि इन्हें सुलझाना आवश्यक है। हम इस बात पर सहमत है कि सीमा क्षेत्र में शांति और स्थिरता हमारे आपसी विश्वास और संबंधों की नींव है। China has the determination to work with India through friendly consultation to settle the boundary question at an early date. We also have the sincerity to work with India to maintain peace and tranquility in the border areas. बहरहाल इस मुलाकात के कुछ घंटों बाद ही ये खबर आई कि चुमर क्षेत्र में चीनी सेना पीछे हटने लगी है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की। हालांकि सूत्रों का ये भी कहना है कि पहले महज 50 मीटर दूरी पर आमने सामने बैठी दोनों सेनाओं में अब 1 किलोमीटर का फासला हो गया है, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है। तो इसी के मद्देनजर दोनों देशों की तरफ से जारी साझा बयान में भी इस बात पर खासा जोर दिया गया कि रिश्तों में सीमा विवाद का कांटा जल्द से जल्द हटे। बयान में कहा गया है कि दोनों देशों के बीच बेहतर संबंधों और विकास के लिए जरूरी है कि चीन और भारत की सीमा पर शांति और सहयोग कायम रहे। इसे कायम रखने के लिए दोनों देशों की ओर से संयुक्त रूप से लगातार कोशिश करनी चाहिए। तो क्या चीन सीमा पर भारत की चिंताओं को समझने के लिए तैयार हो गया है? क्या प्रधानमंत्री उसे सख्त संदेश देने में कामयाब हो गए हैं? बीजेपी का मानना है कि हाँ, मोदी ने चीन को सख्त संदेश दिया है, लेकिन विरोधी इससे इत्तेफाक नहीं रखते। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात रही और जिन मुद्दों को उठाया गया, ये पहले कभी इंडिया और चाइना के बीच ऐसा नहीं हुआ था। Well, I must say from my perspective was some disappointment. I mean, we were all led to believe $100 billion of investment would be announced in the course of this visit. जो उम्मीदें थी इस bilateral talk से, मेरी समझ से चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, $100 billion की बात की जा रही थी और 20 बिलियन यूएस डॉलर्स का ही करार और समझौता साइन हुआ है, तो वहाँ भी कुछ कमी रही। बहरहाल सीमा विवाद से परे चीन से कई और अहम मुद्दों पर बातचीत हुई, कई अहम समझौते हुए। चीन अगले 5 सालों में भारत में 1,20,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। भारत के कारोबार के लिए चीन आसान रास्ते तैयार करेगा। अभी भारत और चीन में कारोबार में भारी असंतुलन है। भारत को $35 अरब से ज्यादा का व्यापार घाटा है। इसे सुधारने के लिए चीन आईटी, पर्यटन, फिल्म, स्वास्थ्य सेवा, फार्मा जैसे क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों को ज्यादा तवज्जो देगा। अब बैंक ऑफ चाइना की एक शाखा मुंबई में भी खुलेगी। चीन मोदी के बुलेट ट्रेन के सपने को पूरा करने में भी अपना सहयोग करने के लिए तैयार है। चेन्नई से बैंगलोर होते हुए मैसूर तक बुलेट ट्रेन के लिए चीन सहयोग करेगा। इसके अलावा करोड़ों शिव भक्तों को भी खुशखबरी मिली जब चीन ने कैलाश मानसरोवर के लिए नया रास्ता देने का ऐलान किया। इसके अलावा ऊर्जा क्षेत्र में भी बड़ी पहल की गई। संयुक्त बयान के मुताबिक भारत और चीन ऊर्जा की सुरक्षा के लिए परमाणु ऊर्जा के विस्तार में यकीन रखते हैं। ये साफ सुथरी ऊर्जा के तौर पर महत्वपूर्ण है। दोनों देश वैश्विक प्रतिबद्धताओं का ख्याल रखते हुए इस दिशा में आगे कदम बढ़ाएंगे। विश्वास बहाली के लिए भारत और चीन में नियमित रक्षा, नौसेना और वायुसेना एक्सचेंज पर जोर दिया गया है। समुद्री सुरक्षा और एंटी पायरेसी पर भी पहली बार
इस साल आपसी बातचीत की जाएगी। उधर शी जिनपिंग की इस यात्रा के तीसरे दिन भी तिब्बती शरणार्थियों ने होटल के बाहर विरोध प्रदर्शन जारी रखा। स्मिता शर्मा, आईबीएन 7।